श्री रुलदू राम बांसल जी समाज दे अजिहे इंसाना विचो सन जेड़े हमेशा ही दुनिया दे दिलां विच वसदे रहंदे हन, चाहे आप इस संसार विच रहन चाहे इस संसार तों चले जान। आप जी बहुत ही नेक दिल अते संस्कारी इंसान सन, परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपने मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। श्री रुलदू राम बांसल हुणा ने अपनी जिंदगी विच सखत मेहनत कीती अते खूब नामना खटिया। मौजूदा समय विच आप जी दे इन्हां ही संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दे बच्चे बहुत ही मेहनती हन, नेक हन, पढ़े लिखे हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघाजोग स्थान रखदे हन। सब तों वड्डी गल, आप जी दे बच्चे आप जी दे पाई पूर्णियां ते चल के जिंदगी बसर कर रहे हन अते समाज विच नामना खट रहे हन। श्री रुलदू राम बांसल हुणा दी याद विच इक धार्मिक समागम दा आयोजन उहनां दे समूह परिवार वल्लों पंचायती धर्मशाला पटियाला मंडी रामपुरा फूल बठिंडा विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्साए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। उसमें कहता मैं कुछ भी नहीं कर सकता,
भगवान ने की तबकार जो ना मैं लाभ देता ना मैं हानि ना मैं दुख ना मैं सुख मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। इंसान अपने कर्म के द्वारा सभी चीजें भोगता है और इंसान ने अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए मैं तेरे एक बार दृष्टि सिद्धांत सुनाता हूं जिसके सुनने से तेरे मन का अहंकार दूर होगा। बुद्ध कहता है परमपिता परमात्मा जी कहने लगे कहते जो हमने कर्म किया उस कर्म को स्वयं भोगना दूसरा कोई साथी नहीं है, ना पत्नी साथी है, ना पुत्र साथी है, ना बेटा बेटी साथी है, ना कोई मित्र साथी है। जो हमने अच्छा किया अच्छा का फल भी खुद लेना है, हमने माड़ा किया तो माड़े का फल भी खुद भोगना है, कोई दूसरा उसमें साथ नहीं देगा। नाम का लड़का पैदा हुआ कसाई के घर में पैदा हुआ, कसाई जो पशुओं को काटते हैं उसको मांस को बेचते हैं, कर्म के द्वारा उसको कसाई के घर में आना पड़ा। पिछला कर्म उसका ऐसा हुआ, उन्हें कहा प्रभु उसने ऐसा क्या कर्म किया था? उसने कहा मैं तुझको सारी बात बताता हूं, ध्यान से सुन। कहता है वो दीन नाम का जो बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर ज्ञान और बुद्धि भरी हुई थी, बचपन से ही वो भगवान की तरफ अग्रसर था। माँ बाप ने स्कूल में डाला, पांचवी तक की पढ़ाई करी, उसका ध्यान एक ही तरफ था, ओम नमो भक्ते वासुदेवाय, ओम नमो भक्ते वासुदेवाय। कर्म उसका माड़ा था, परिवार का कर्म माड़ा था, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो कर्म कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान परमात्मा की तरफ था। एक जो जो दिन बढ़ा वो बढ़ता होता गया, पांचवी क्लास के बाद हट गया। उसके पिता ने कहा बेटा अगर तुम काम कर ले बिना काम तो गुजारा नहीं होगा। उन्होंने कहा पिताजी मेरा ये मन नहीं मानता, मैं किसी जीव की हत्या करूं और हत्या करने के बाद उस पैसे से घर चलाऊं, मेरा मन नहीं मानता। मैं तो किसी को कांटा चुभते हुए भी नहीं देख सकता पिताजी, और मैं उसका गला कैसे काटूं जीव का? वही जीव हमारे अंदर आत्मा है, वही उस जीव के अंदर भी आत्मा है, दर्द हमें होता है तो दर्द उसको भी तकलीफ होती है। उन्होंने कहा बेटा हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, हमारा कर्म यही है, हमें कर्म तो करना होगा। उसने कहा पिताजी फिर आप एक बात कर दो, कह ही रहे हो कर्म करना होगा, मैं दूसरे साथी से मरे हुए जीव को ला सकता हूं, उसको आगे बेच सकता हूं, इतना कर सकता हूं, मैं मारूंगा नहीं। पिताजी ने कहा बेटा ठीक है तुम ऐसा कर लो काम तो लगो। वो दिन क्या करता, दूसरे कुचड़ से कसाई से मांस ले आता, उसको फिर छोटे टुकड़े करके बेच देता। उसके पास एक सालिग्राम का बेटा था, किसी संत महात्मा से मिला हुआ था, और उस सालिग्राम के बट्टे को वही साथ में रखता, उनको भक्त वासुदेव उसके ऊपर हाथ फेरता रहता, और जब घटपट तोड़ना होता उसको पकड़े में भी रख देता, उसको मांस फूल भी लग जाता, लेकिन उसके हाथ पर ओम नमो भक्ते वासुदेव जब भी मिलना होता उसका स्मरण करता रहता। उस समय बीता, एक संत महात्मा वहां से निकल रहा था, तो ब्राह्मण उन्हें देखा, अरे ब्राह्मण शालिग्राम भगवान साक्षात, अरे कसाई के हत्थे पर इसको कितना गंदा किया हुआ है। वो गया धीरे से देख करके, कोई देखे ना दुकान पर कह रहे, उन्हें कहा भाई बट्टा मेरे को दे दे तेरा। उन्होंने कहा भैया तुम ले जाओ, मैं तो गोल पत्थर का टुकड़ा रख लूंगा, मुझे क्या बात है, आप ले जाओ। और उन्होंने उस शालिग्राम के टुकड़े को पत्थर का टुकड़ा समझते हुए उस ब्राह्मण को संत को दे दिया। वो लेकर के अपने घर आया, उसको स्नान कराया, गंगा जल स्नान कराया, कच्ची लस्सी दूध का स्नान कराया, उसने अपने मंदिर में रखा, पूजा करी, भोग लगाया, भोग लगा के प्रता कर दिया, और सारा दिन फिर कोई संभाल नहीं हुई। शाम को फिर उसी प्रकार किया, अगले दिन सुबह किया, दूसरे दिन ही परमात्मा ने उसको सपन दे दिया, रे भाई महाराज तो मेरे को कैद में कर दिया, मेरे को यहां से उसी के पास पहुंचा दे जहां से तुम ले आया था। उन्होंने कहा प्रभु मैंने तो आपको सब जगह पर रखा, मेरा मैं सब जगह की बात नहीं है, जगह मेरे लिए सफरा पर है, मेरे तो हाथ का सफरस था, 24 घंटे मेरे को भक्त वासुदेव आए और मेरा नाम रखता था और मेरे को परोसता था, मेरी सेवा करता था, तूने मेरे को बांध कर रख दिया, भोग लगाया, रख दिया, वो मैं नहीं पूजा मानता, इसलिए मेरे को उसी जगह पहुंचा दे
जो मेरा भगत था, बहुत जल्दी सुबह ब्रह्म लूटा भागा गया बता ले मैं इतना बट्टा तो सा। अब दिन जो जो जवान होया उसका गृहस्थ जीवन उठ गया था, उसके अंदर भिन्न भावना जाग चुकी थी। उसके माता पिता कहने लगे बेटा थोड़ा काम तो भेजी कर, तेरा ब्याह भी करना है, तेरा रिश्ता भी आने वाले हैं और घर भी बसाना है पुत्र। उसने पिता से कहा पिताजी मैं शादी नहीं कराना चाहता। उन्होंने कहा बेटा शादी तो करनी पड़ेगी, कहते हैं मैं नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा चल ठीक है काम करता रहो। दो चार दिन के बाद एक थैले में दो चार अपने कपड़े पाए, उस भगवान का जो बट्टा साथ में रखता था, 24 घंटे सोता तो भी अपने जेब में रख के सोता था। सुबह बहुत जल्दी भोर में उठ गया, मोटे पर झोले को टांगा, हाथ उसके ऊपर बट्टे पर झोले में भी, और घर छोड़ कर निकल गया। उन्होंने कहा मैं तो जगन्नाथपुरी जाता हूं, वहीं होकर रह जाऊंगा, दूर का चले जाना। इलाहाबाद उसका जन्म हुआ था, काशी जी बीच में पड़ती थी, आपने उसको जाना था। चलते चलते काफी दूर चला, इलाहाबाद से चलते चलते काशी जी में पहुंच गया। काशी जी में जाने के बाद उनको शाम हो गई, रात हो गई, उन्हें देखा यहां तरह कोई जानकार नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। उस शहर के बाहर किसी का मकान था, दो चार घर इधर भी थे उधर भी था, उन्हें दरवाजा खटखटाया और एक बुढ़ा और एक नौजवान और तो घर में रहते थे, कहा हे प्रभु रात को बसेरा मिलेगा मेरे को, रात को दो रोटी और सोने की जगह मिल जाएगी, मैंने सुबह आगे जाना है। अब उस बुजुर्ग ने कहा बेटा आ जाओ, क्यों नहीं मिलेगी जगह, जहां आप रोटी खाएंगे तुम भी खाना, यहाँ बैठो। बैठक में बार बड़े कमरे में बिठा दिया, अंदर उसकी नौजवान औरतियों भी आई, उन्हें कहा कौन है, उन्हें कहा कोई अभ्यागत है, अतिथि है, रात को रुकना चाहता है, सवेरा चला जाएगा। उन्हें कहा ठीक है, वो जल लेकर के आएंगे, कहा लो भाई जल। उन्हें कहा माता जी जल की प्यास है। माता जी कह करके बोला, नौजवान तो हट्टा कट्टा था, रात को रोटी खा करके सो गया। उस ओर के मन में बड़ी दुर्भावना पैदा हुई और वो उठ करके रात को उसके पास आ गई, उसको दूसरी दृष्टि से देखने लगी, विचार करते हो गए। उसने कहा आप मेरी माता हैं, और जो भूखे को रोटी खिलाती है, प्यार से रात बसेरा देती है, माता के समान होती है, और आप तो माता है, मैं तो आपका अतिथि हूं। हे माते मैं इस काम से तो मैं घर छोड़ के भाग गया, आप मेरी माता है, माता का दर्जा बना के रखिए, आप अपने विचार को समझिए, अपने आप को संभालिए। अब उस औरत ने सोचा कि हो सकता है तेरा पति देव जो बुढ़ा है बुजुर्ग है, ये उससे संदा होगा, डरता होगा, मैं उसका काम तमाम कर देता। और अंदर गई, तलवार पहनी हुई थी, उतारी, उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद भिड़ा करने देखा, बहुत बड़ा जुल्म हो गया, इतना बड़ा पाप, एक पति का गला और उन्होंने काट दिया। अब उसके पास निपट गई, उन्होंने कहा हमें कोई डर नहीं है, मैं सुबह कह दूंगी चोर आए थे, चोर मेरे पति को मार गए, हम दोनों ने पकड़ने की कोशिश करी, हमको भी चोट फेट मार के भाग गए, आप डरो मत, अब हम दोनों मजे से रहेंगे। उसने कहा बहुत ही मनोहनी, बहुत बड़ा पाप तेरी आंखों के सामने, इतना बड़ा पाप हुआ। बदीन ने जैसे तैसे किया, उसे झुकाया और अपना झोड़ा उठाया, दौड़ लिया बाहर की तरफ, रात को भाग लिया। अब जैसे उसने दौड़ लगाई, उसने आवाज लगाई, रे पकड़ो मेरे पति को मार गया, रे उठो लोगो चोर मेरे पति को मार गया। जो आसे पासे दो चार घर थे वहां के लोग बाहर उठे, उन्होंने कहा क्या हुआ, करे वो जा रहा मेरे पति को मारने भाग रहा, पकड़ो पकड़ो, सब ने उसको रात को भाग के पकड़ लिया, हाथ बांध दिए, सारी रात उसको एक रूम के नीचे बांधा गया, सुबह राजा की कचहरी में पेश कर दिया गया। जब राजा की कचहरी में पेश किया गया, राजा ने भी देख लिया ये बंदा हत्यारा नहीं हो सकता, इसकी शक्ल हत्यारे की नहीं है, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, कोई डरावना सीन नहीं था, आंखें उसकी बिल्कुल साफ संकेत दे रही थी। लेकिन फिर राजा उस नगरी का राजा था, नगरी के लोग जो कह रहे थे
कृष्ण ने मारा है। उन्हें से पूछा क्या आपने देखा होगा, नहीं मारा, जिसकी पत्नी ने आवाज लगाई उन्होंने पकड़ ली, भाग रहा। उसके बाद राजा ने कहा सुन ठीक है, वैसे तो मेरे राज्य के अंदर मौत की सजा मौत होती है, लेकिन मैं इसमें हत्यारापण नहीं देखता, इसके दोनों हाथ काटने का क्या दे देता। अब राजा ने उसकी हत्या दे दी, कसाई ने उसके दोनों हाथ काट दिए, फिर भी वो रो नहीं रहा। परमात्मा का शुक्रिया करा है, पर पिता परमात्मा आपकी बहुत अच्छी रजा है, अगर मेरा गला कट जाता मैं आपका नाम कैसे देता, मैं आपका स्मरण कैसे करता, चलो मैं आपका स्मरण कर ही सकता हूं प्रभु। फिर उसी प्रकार उनका हाथ कटा हुआ खून बह रहा है, राजा ने छोड़ दिया, अब उसी को ऊपर घसा रहा है शालिग्राम के पत्थर पर, ओम बहुदेव वासुदेवाय ओम विष्णुदेव, मैं करता करता जा रहा है, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, प्रभु तेरी कैसी रजा है। उधर वहां जगन्नाथपुरी को पुजारी को परमात्मा शपथ देता है, कहता रे भाई एक मेरा भगत काशी जी से चलता हुआ रहा है, पैरों से नंगा है, उसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं, बड़ा दुखी है, तू पालकी भेज दो, उसको पालकी में बिठा करके लेकर के आओ। वो उधर जा रहा है, वो पालकी वाले उधर से आ रहे हैं, जब रास्ते में आमने सामने भेंट होती है, उन्हें देखा नंगे पांव तो आ रहा है, देखा हाथ कटवा खून बह रहा है, दूसरा हाथ झोले में है, वो भगवान शालिग्राम को अपने खून से रंग रहा, ओम नमो भक्ते वासुदेवाय बोल रहा है। उन्हें कहा रे भाई तेरे दोनों हाथ काट गए हैं, तेरा नाम वदीम है, अरे भाई पालकी में बैठ जा, तेरे को पुजारी ने हुक्म दिया हमको पालकी में लेके जाना है, आप जल्दी बैठ जाइए। पालकी में बिठा लिया, मोटे पे का हमने चक लिया, जगन्नाथपुरी की तरफ लेके जा रहे हैं। नदीम कह रहा प्रभु तेरी माया, हे प्रभु तेरी कैसी माया, उधर मेरे हाथ कटवाते हो, इधर पालकी में भेजते हो, ये कैसा खेल है आपका मेरा, फिर भी जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। तो और उसको जगन्नाथपुरी में ले जाएगा, जगन्नाथपुरी जाने के बाद जैसे सिंह द्वार पर पहुंचा वो नौजवान, सिंह द्वार पर जाकर के उसने अपने दोनों हाथ उठा करके साष्टांग प्रणाम जब किया, लंबा लेटा बाहर वाली चोटी पर, उसी समय उसके दोनों हाथ आ गए, साबत दोनों हाथ हो गए। और जब हाथ देखे तो अपने मत्थे को वहां चोटी पर मार मार के रोने लगा, चिल्लाने लगा, हे प्रभु अगर आपने बुरा काम किया था आपने मेरे हाथ कटाए, मेरे हाथ लगाए क्यों, और मैंने इस जन्म में बुरा काम नहीं किया, मेरे हाथ कटवाए क्यों, आप मुझे प्रश्न दीजिए, उत्तर दीजिए। बार बार शीर मार मार के वहां फोड़ने लगा, रोने लगा। जब मत्थे का खून लोटी पे लग गया, परमपिता परमात्मा साक्षात प्रकट हो गए और अपने हाथ में संग का संग उसके कपोलों पर लगाया, और उसके शरीर के अंदर जैसे कट दौड़ गया हो इतनी ऊर्जा पैदा हो गई, नौजवान हो गए। देखा सामने परमात्मा खड़े हैं, गदगद वाणी हो गई, प्रशंसा भी नहीं कर सका, उनकी स्तुति भी नहीं कर सका, रो रहा है, उसको बात नहीं। हम तो गुरु में फिरते हैं, हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, उसी में हम 24 घंटे घूम रहे हैं। मौत की सुई तो हमारे ऊपर भी आने वाली है, हम उसे भूले हुए बैठे हुए हैं। जनाजा निकलता है मंदिर में, 20-50 लोग लेके चल रहे हैं, मंजिल जा रही है, आखिरी मंजिल पर बंदा जा रहा है। हमारे मंदिरों में हमारे घर पिंडों में ताश वाले बैठे हैं, ताश नहीं छोड़ सकते, गर्दन नीवी कर लेते हैं, वो चल बंदे नीचे खेलने मुंह नीचे कर लेते हैं। अरे प्रिय बंधुओ, इसी रास्ते गन जाना हमने नहीं है, तुम जिम्मे कबूतर बिल आंख बंद कर लेता है, कबूतर कहता मैं बिल्ली ने नहीं दिखता, मारा जाता है, वही हम हमारे लोगों की है, हम भी अहंकार में ग्रुप में छुपे हुए बैठे रहते हैं, लेकिन ये जरूर एक मिनट में खत्म हो जाता है, एक कदम रखने दूसरे कदम की आशा नहीं है, कहा रखा जाएगा।
मसले का पता नहीं है, हम थाली से उठाकर मुंह तक ले जा लेंगे ना ले जाएंगे, हमारा हाथ रुक जाएगा, ये जड़ शरीर हो जाएगा प्रिय बंधु। इसलिए कहता शुभ कर्म करने से परमात्मा का नाम तो हर बात को काटने वाला है। रुई के ढेर को, फूस के ढेर को छोटी सी चिंगारी जला के खाक कर देती है, उसी प्रकार सुरभ का नाम भी हमारे पापों काट के खाक कर देता है। उसका नाम लेना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, माँ बाप की सेवा करने चाहिए। जो माँ बाप की सेवा करता है वो विघ्न से दूर हो जाता है, उसका जीवन सफल होता है। एक लड़का पैदा हुआ जेलदार के, जेलदार साहब 4 साल की उम्र के बाद पुत्र के मुल के मर गए, हरियाणा की बात है, जिंदे हो गए। हकीकत है सुना, पिताजी सर्गवासी हो गए, माँ ने बड़ी मेहनत करी, 16 किले पैड़ी थी, बहुत मेहनत करी, पढ़ाया लिखाया, ठेके भी दे दी, कभी अंधे में लेकर मेरे नाल काम भी करवा दी, धीरे धीरे बड़ा हो गया, पढ़ाया पढ़ा करके वेटरनरी डॉक्टर बनवा दिया, बड़ा तो बड़ा कर सारा मैंने कोर्स किया, डॉक्टर बना दिया। अच्छे घर की लड़की भी आ गई, शादी कर दी, माने कहता माँ मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, माँ मैं तेरे को ही कहूंगा, माँ मैं तेरी सेवा करूंगा, तूने मेरी बहुत सेवा की थी, तूने कहा बेटा मेरा फर्ज था मैंने पूरा कर दिया, अब तेरा फर्ज है तो मेरी सेवा भी करना पड़ा, घर से चला। शादी कर कहा नहीं माँ मैं तेरे को ही कहूंगा, मैं उसे नहीं कहता, मैं कहा बेटा बोटी को ले जाकर बह जा तेरे को, अब वो दूसरे घर से आई है, तब तो कहेगी माने पता नहीं की सीख दे दी, मेरे को पैर भी दिया नहीं, बदनामी होगी, मैं तो वहां जाऊंगा। रात रात को बारिश मेरी करके उन्होंने भेज दिया, सुबह जल्दी फिर उठ गया, ना मां मेरा तेरा बिना जी नहीं लगता, मैं तेरी सेवा कराऊंगा। मैं तो बेटा सेवा करने के बहुत मौके आएंगे, सेवा करना। सवेरा ड्यूटी पर भेजे, जा बेटा मां मैं तेरे पास दुआ करता हूँ, शाम को फिर जा करके मां को ले जावे, बोटी का ध्यान ना रखे। बोले बेटा घर के काम सारे करने होते हैं, सेवा भी करता रहो, काम भी करता रहो, बिल्कुल माँ मेरे तेरे बिना मन ही लगता, मैं यही रहूंगा। बोले का बेटा तुम मेरी सेवा करना चाहता हूँ, माँ बहुत ज्यादा ठीक है पुत्र कर मेरी सेवा। अगले दिन माँ ने उसको ड्यूटी चला गया, ड्यूटी पे जाना था, आज माँ अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रही है, फिर मैं उन्होंने कहा बेटा मुझे कहा दोपहर बाद, बेटा आज मेरा सिर चकरा रहा है, तुम चक्कर से आ रहा है, उन्होंने कहा माँ मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ, आप लेट जाओ, मैं सिर दबा देते, बहुत अच्छी बोटी थी। श्याम का सताया ने कहा माँ मैं थे कहूँ तेरे को, मेरा बेटा बोटी को लेता है, मैं दवाई ले लूँ तू क्या करेगा, कमरा छोटा था, 2 मंजे आ नहीं सकते थे, माँ मंजे पे थी, मंजा भी टाइट था, मैंने कहा बेटा अब तू सियाणा हो गया, बच्चा नहीं रहा जो मेरे पास पैदा था, अब तू बड़ा हो गया, अब तू जाओ कमरे में, अंदर नहीं मां चिटाई मंगा ली, कहता कह दिया मैं यहीं पहुंचा तेरे पास, बोला ठीक है बेटा यहाँ पैजा पास में। उसके बाद माने कहा बेटा एक काम कर, मैंने कहा क्या माँ, बेटा एक गर्मी पानी की लाकर मेरे पास रख दे, आज मैंने दवाई ली है, कुछ गला सूख रहा है, पानी पीना पड़ जाएगा, मैंने कहा ठीक है माता जी। पानी गली में लगती बेटा भी लेट गया, थोड़ी देर पैर दबाए फिर लेट गया, जब बेटे की थोड़ी आंख लगी माँ उठी, कूद करके माँ ने गड़बी को ठोकर मार दी, पानी को रोड दी, उसे कुछ कपड़ों पड़ा, एक तो उठा, माँ क्या हुआ, माँ मेरे को उठा देती ना, मैं आपको आराम से उठा लेता, मैं कहा बेटा पाँव बज गया, आज कमजोरी महसूस हो रही है, मैं बाथरूम जानता पुत्र, मैंने कोई बात नहीं मानी, ठीक है अब मैं चलूँ तेरे साथ, मैं नहीं बेटा मैं चले जाऊँ, माँ परीक्षा ले रही है पुत्र की आज, मैंने कहा बेटा पानी और ला कर रख दे, मैं कहा ठीक है, माँ पानी गर्मी फिर रख दी, आधा पौने घंटे में जैसे आग लगी माँ ने फिर उठी ठोकर मार दी, अब की बार थोड़ी जोर से पैर मारा, थोड़ा ज्यादा भीज गया, उन्हें माँ क्या हुआ, तू मेरे को उठा देना, बार बार उठ रही है गिर रही है, मैं उठ ले जाऊंगा, वो मेरे को हाथ मार देना, मेरे सारे कपड़े गिले हो गए माँ, उन्हें कहा बेटा क्या करूँ, मैं बस आज मेरा चित्त ठीक नहीं है, मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है चल मैं लेके जाऊंगा बाथरूम, कहा नहीं बाथरूम को मैं जाया हूँ, फिर आगे फिर उन्हें कहा एक पास रख लो, कभी कोई रख दे, कभी कोई रख दे, कल के लिए महा, उन्हें कहा बेटा एक पानी और ला कर दे, पानी फिर ला कर रख दिया। तीसरी बार माँ उठी
और जोर से ठोकर मार दी, जो पहले आता भीगे तो सारा भिगो दिया और गड़ी भी जाकर उसके अंदर गई। मां तो संज्ञा नहीं क्या, जोर से उठा, पहले भाव को छोड़ते दूसरी बार थोड़े चेंज हुए, तीसरी बार में मां तो संज्ञा की है, देखो कितनी बार गया मेरे को उठा देना, सर्दी का महीना मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, मां तो कमड़ी हो गई, मां हमने कहा बेटा कमड़ी तो हो ही रही हो ना, तो बुखार है कमड़ी हो रही, मेरा कसम ये पुत्र ठीक है अपनी बार आप उठना मेरे को उठा देना, अगली बार में पानी रख लेता हूं। चौथी बार कुड़ी जब दिखाई डेढ़ बज गया, फिर ठोकर जोर की मारी और सारे के सारे को भिगो दिया और वो सांप के फड़ में टकराया फर्राया, मां सच्ची कहते बूढ़े सजिया जाते हैं तो कमड़ी होगी, मैं तेरे पास होता मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, उन्हें सारा बार बार भिगो दिया। बूढ़ी भैंस में आ गई, उन्हें राय बैठ जा, उधर बूढ़ी भी उठने आवाज सुनकर आ गई, तेज आवाज हुई, माँ जी क्या बात है, बोला बेटा कुछ नहीं है, तो बेटी को भी बैठ गया, मैं इसको थोड़ा शिक्षा दे दो बड़े, बोलेगा क्यों रे क्यों चिल्लाया, और ना मैं चिल्लाऊ ना, सर्दी का महीना में चार बार तेरे भिगो दिया है, सारे मेरे कपड़े खराब हो गए, गद्दा भी भीज गया, उन्हें कहा कमड़े बैठ गया, मैंने कितनी बार भिगोया तेरे को, चार बार भिगोया वो भी आज, उन्हें कहा अरे तुमने 12 साल तक शुरू किया है, बच्चे कोई 2 साल बैठ जाता है, कोई 2.5 साल बैठ जाता है, तू पूरे 12 साल तक शुरू करता रहा, अरे सर्दी का महीना होता उस सीने को फेंक देता, उसको भिगो देता, आखिर में तेरे को मैं सीने पर लगा लेती, तू मेरा सीना भी भिगो देता रे दुष्ट, सारी रात में मेले में पड़े रहती, मेरे बेटे को ठंड ना लग जावे, मेरे बेटे को बुखार ना आ जावे, मैं तेरे को छाती का लगा कर सो जाती है, तेरा बाप को 4 साल का छोड़कर मर गया था, मैंने बाप का धर्म भी निभाया, मैंने माँ का धर्म भी निभाया, तू मेरी क्या सेवा करेगा, सेवा तो मैंने तेरी करी थी, तो आज तू 4 बार साफ पानी में भीग गया, तो चिल्ला पड़े रो पड़े, चलो उठिया से भाग के अपना बिस्तर उठा करके, बूटी रानी शानदार थी, साफ जय सुतरी थी, विचारों में थी, मेरी माँ को साथ में, माँ इसकी गल्ला छोड़ दे, मैं तेरे पास करी, मैं तेरी सेवा करूं, बेटा मेरे को ऐसे नहीं दुख रहा, मेरे को बुखार नहीं था, ये बार बार कहता था मैं तेरे पार करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, आज मैं इसकी सेवा देखना चाहती थी, मेरा बेटा क्या मेरी सेवा कर सकता है, कल को मैं रोग में ग्रस्त होगी तू करेगा ना करेगा, मैंने इसकी परीक्षा लेनी जब परीक्षा ले ली तो भाग जा तो सेवा नहीं कर सकता, तो प्रिय बंधु ऐसा नहीं पढ़ना, और जिसने माँ बाप की आत्मा को दुखा दिया उसको 3 लोग में जगह नहीं मिलती कहीं नहीं, माँ बाप की सेवा सबसे उत्तम सेवा है, माँ बाप की सेवा करिए, जिंदगी में जो काम करने अच्छे करिए, मुक्ति का धाम अपने आसपास ही। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जगन्नाथ हरे बाल जनों के संकट दास जनों के आवे पुनः बसी वाला दूर रहे, ओम जय हरे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख जन्मति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम्हें मेरे शरण पड़ो मैं किसके स्वामी, शरण पड़ो मैं किसके, तुम्हें भी न होवे न दूजा प्रभु भी न होवे न दूजा आश करो मैं जिसके, ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें पूरे स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा की सागर तुम्हें पालन करता स्वामी,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस वित मिलो में दयालु, किस वित मिलो में कृपालु, तुमको मैं उमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ, द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय कोई भी खाली वहां से ना जावे, बहुत बहुत सभी संगत।